नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डब्ल्यूआरसी न्यूज़ के एक और वीडियो में। दोस्तों, हमारे इंडियन आर्मी के चीफ मुकुंद नरवाने जी ने बहुत ही बड़ी इस वक्त की अनाउंसमेंट कर दी है। वो अनाउंसमेंट चाइना को लेकर उन्होंने की है। असल ये अनाउंसमेंट उस पर है कि आने वाले समय में भारत और रिश्तों के बीच में अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है, जिसमें आपको साफ झलक सकता है कि आगे होने वाली जो स्थिति है वो किस ओर जाने वाली है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बॉर्डर पे तनाव अपनी चरम पे है और हाल ही की घटनाओं में अरुणाचल में भी चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। इसके साथ वहाँ पे दोनों सेना, जो चीन और इंडिया की जो सेना है, वो आमने सामने हो गई थी। इसके साथ जो चाइना ताइवान के अंदर कर रहा है वो पूरी दुनिया उसे देख रही है। दोस्तों, पिछली गर्मी के बाद जो ठंड आई थी उसमें क्या हुआ था वो आप सभी को पता है। चीन के ऊपर यही कारण है कि इंडिया भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि जो चाइना है वो पूरी तरह से हमारा दुश्मन है। लेकिन वहीं चाइना जो है वो इस मान ही नहीं रहा था इस बात को। हमने दोस्ती का भी हाथ मढ़ाया लेकिन उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने का ही हमेशा काम किया है। पूरी तरह से इंडिया सचेत हो गया है, मानता है कि इंडिया चाइना पूरी तरह से हमारा दुश्मन है। लेकिन वहीं जो चाइना है वो मानने को तैयार नहीं हो रहा है और ना जाने क्या उसे दिक्कत है इंडिया से। तो इसी पे हम इंडियन आर्मी के चीफ मुकुंद नरवने जी की ओर से सबसे बड़ी न्यूज़ लेके आप आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थिंग होने वाली है। और चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों, जो मुकुंद नरवाने जी हैं उन्होंने इस वक्त बहुत बड़ी न्यूज़ देते हुए कहा है कि हमारी जो LOC है, जो कि चीन के पास LAC है, वो कभी भी LAC LOC में कन्वर्ट हो सकती है। आपको मालूम है कि जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, चीन के बॉर्डर की ओर है, जो कि पूरी तरह से पता है आपको कि किस तरह से खून खराब है LOC पे होते हैं। तो वही उन्होंने चेतावनी दी है कि LAC जो है कभी भी LOC की तरह कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि चीन और इंडिया के बीच में जो स्थिति वो कभी भी युद्ध में बदल सकती है। वहीं उन्होंने कहा है कि हमारा अगर ये दूसरा साल लगातार भी अगर अपनी सेनाओं को बॉर्डर के पास तैनात करना पड़ता है ठंड में, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से LOC में कन्वर्ट हो जाएगा चीन की सीमा को। आप कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से तनाव जो चीन है वो पूरी तरह से युद्ध के ही लिए अग्रसर हो गया है, क्योंकि जिस तरह से वो हरकतें कर रहा है उसकी देखते हुए जो नज़रिया बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तो यही कह सकते हैं आप कि इस जो ठंड आएगी उसमें भी हमारी जो सेना है वो चीन के बॉर्डर पर तैनात रहेगी। इसके साथ उन्होंने कहा है कि भले ही LOC पे ज़्यादा LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे ज़्यादा खतरा ना हो LAC पे, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा एक तरह से बना तो रहेगा ही, क्योंकि चीन जिस तरह से घुसपैठ कर रहा है वो अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। तो उन्होंने कहा है कि चीन को दिक्कत क्या है ये चीज़ तो हमें भी मालूम नहीं चल रही है। अगर वो चीन बता दे हम दिक्कत क्या है तो उस पर शायद हम काम कर सके, ऐसा मुकुंद नरवाने जी ने, इंडियन आर्मी के चीफ ने कहा है। तो अगर चीन डिप्लॉय करता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए ही खतरा और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से वो ताइवान के खिलाफ अग्रेसिव रोल निभा रहा है और उसके जो दुश्मन है वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अमेरिका भी उसका दुश्मन बना पड़ा है, जापान तो है ही, और ताइवान से तो उसकी बनती बिल्कुल भी नहीं है। और वह इंडिया से भी अगर रिश्ते खराब कर ही रहा है तो कहीं ना कहीं अब पूरी जो देश है, पूरा जो दुनिया है, वो उसी के खिलाफ पूरी तरह से जाते जा रही है। और यूरोप कंट्री भी अब अपना रुख जो चाइना के प्रति था वो एग्रेसिव करती जा रही है। तो ये चीन के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, यही अब एक तरह से कह सकते हैं आपकी चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, अब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का वक्त चल रहा है, क्योंकि यही कारण है अब वो अपने देश के बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, अपने देश में दुबक के बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई देश उसे मिलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो जिस तरह से एग्रेसिव कर रहे हैं, एग्रेसिव रोल निभा रहे हैं, वो दिखा रहा है कि किस तरह से दुनिया के साथ वो युद्ध करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो चलकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए, धन्यवाद।